सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता अभी आपके खिदमत में हाजिर हो जाए। एकदम खुश हो गया लेकिन हैरत से कहने लगा, मोहतरमा एक गिलास पानी दे। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। मोहतरमा पानी। हाँ दे रही हूँ। दिल कमरिया मोरी, अब एक शेर अभी माइंड में ताजा ताजा बना, वो सुनाने के वास्ते आवाज दी आपको। मैं अर्ज किया है, इशा दिशा लैला की शादी में लफड़ा हो गया। अरे वाह, रियल इंसिडेंट, वाह वाह। लैला की शादी में लफड़ा हो गया, इतना नाचा फरास के लंगड़ा हो गया। जी पानी दियो बोल के सीधा बोल सकते ना, मेरे भाई को बीच में काहे को ला रहे? इज्जत से नहीं सुन रहे ना आप। दे रही हूं, चैन से रीला भी नहीं देखने दे रहे मेरे को। वाह ए कमतालीन भयानक जिंदगी। अरे तुम आपको एक काम बोले तो चार काम औंधे करते क्या जी? आपको मालूम ना मैं अधमड़ी हूं। सो आप काम चोरो सुस्त भी है। वो तुम्हारे साथ रह रह के हो गई मैं। पानी दियो जी। दे रही हूं। क्या सीन डालूं, क्या स्टोरी लिखूं? लिखते कि कहानी इंटरेस्टिंग हो जाना भाई। ठीक है जरा बेगम पानी दियो। पानी है। बेगम जरा वो फोन साइड में रखो जी, साइड में रखो। और जरा नजर इधर उधर दौड़ो, देखो कुर्सी पे कपड़े उधर है, वहाँ चिन्निया पड़े हुए है, उधर देखो कचरा पड़े हुआ है, वहाँ देखो कचरा पड़े हुआ है, पूरा घर कचरा कचरा हो गया जी। मेरी जिंदगी कचरा हो गई तुम्हारे से शादी करने के बाद। ए कचरा कुंडी, हमेशा तेरी बात करते जी तुम, कभी जिंदगी में तुम्हारे मुंह से तुम्हारे जबान से अच्छे अल्फाज निकले जी। सुने माइंड इज लाइक ए मैग्नेट, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को ना अट्रैक्ट करता, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही छोता। इसलिए अच्छा सोचो, समझे? अच्छा सोचो। अच्छी बात है, अच्छा सोचती हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे वास्ते खाना पकाना, मेरा हस्बैंड मेरे वास्ते कपड़े धोना, मेरे पैरा दबाना और मेरे सब काम कर देना। अच्छा तो फिर बच्चा भी मैं पैदा कर लेता हूँ। पानी पियो, पानी पियो, खामोश पानी पियो। तुम्हारा मुंह मुंह नहीं गटर है, कुछ भी अच्छे बात नहीं बोल सकते तुम। तो मोहतरमा ये गटर का ढक्कन नक्को खिलो फिर आप आपके जिम्मेदार अच्छे से निभाओ, झाड़ू पोछा बर्तन जाले कपड़े। हाँ बीवी दिख रही, नौकरानी दिख रही तुम्हारे को, सोप काम कर लो बोल रहे। मैं क्या सब काम बोला आपको, बोलो नहीं क्या सब काम बोला भाई मैं आपको? देखो खाई सो बर्तन धो बोला, पहने सो कपड़े धो बोला, रह रहे सो घर साफ करो बोला, बस नहीं बा मैं ऐसे नहीं होते सब काम। मैं अपने अम्मा के घर में काम नहीं करी, यहाँ पे कैसा करूँ? देखो वो तुम्हारे अम्मा का घर था, अब ये मेरा घर है, तुम पहले सिंगल थे अब मैरिड है, समझे जरा अपने जिम्मेदारियों को, समझो जी समझो। बीवी सर का ताज है, घर की रानी है, उससे ये सब छोटे मोटे काम नहीं कराना, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेगम मैं तुम्हारे एक बात बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन ले तुम, मेरे को रोज सुबह सुबह टाइम पे नाश्ता होना, घर नीट क्लीन साफ होना, और ऑफिस को जाते वक्त मैं कुछ तेरी करे कड़क कपड़े होना, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है फिर काम वाली रख लो, सो काम करके दे देती। तो फिर मैं काम वाली से शादी कर लेता था, तुम्हारे से शादी कहीं को करा भाई, जब मेरा हर काम वाली करेंगी तो मेरे को बीवी की क्या जरूरत? अच्छा तो बीवी नहीं नौकरानी होना था बोलो तुम्हारे को। ए, पागल औरत सुनो मेरी बात, देखो मर्द की जिम्मेदारी है बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना, ताकि जिससे उसके घर वालों की फैमिली की जरूरत पूरी हो, और औरत घर की जिम्मेदारी संभालना, उसके हिस्से में घरेलू जिम्मेदारियां हैं, एक खंडर घर को उसकी जीनत से सवार के सजा धजा के एक जन्नत बना देना, सुने? अतः शौहर घर को आया तो उसको सुकून मिलना,
बीवी क्या है कि मुस्कुराते हुए चेहरे को देखे तो ना टेंशन ना भूल जाना, उसको बोलते बीवी, अरे तुम तो पूरा सर का दर्द बन गए, उल्टा टेंशन दे रहे तुम, अरे तुम्हारे को क्या बोलूं भाई मैं। अजी 100 बात की एक बात, मेरे से काम नहीं होते, मेरे को काम आता ही नहीं। ये बात तुम मेरे को शादी से पहले कभी नहीं बोले? सरप्राइज देने। मैं क्या तुम्हारे अम्मा का सगा हूँ, बाबा का सगा हूँ, सरप्राइज देने के वास्ते? अच्छा 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 सुनो, अपनी काम करेंगे। घर का आधा काम आप करो, बाकी का आधा काम ऑफिस से आए बाद आप करो। ए चालबाज औरत, ये जो तुम्हारे करतूता हरकता है ना, ये बचपन में अव्वल दुवम सुवम में करके छोड़ दिया सो मैं, आज भी रोज तुम्हारे जैसे 56 लोगों को फिराता हूँ, तो मेरे साथ देर उशारी कर रहे हैं? जनाब अली मोहतरम, प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ओके, ये सब कामा करना बोले तो मेरे से नहीं होता। अच्छा, आपको मेरा हाथ बटाना पड़ता। अच्छा, मैं रोटी बनाती हूँ तो तुम आटा गूंथ के दे दो। अच्छा, मैं सालन बना रही हूँ तो तुम तरकारी काट के दे दो। अच्छा, मैं खाना बना रही तो तुम चावल धो के दे दो। ठीक है, मंजूर है? ठीक है मंजूर। आज के बाद से मेरे US बेस्ड जितने भी कस्टमर्स हैं उनके कॉल्स आप रिसीव करना रात के 3 बजे, ठीक है? मेरे को रोज रिपोर्टिंग करने का रहता तो आप मेरे को लिस्ट बना के दियो, मैं रिपोर्ट बना के दे देता, ठीक है? और उसके बाद जो है सो हमारा बॉस उसकी बीवी की रोज गालियां सुन के आता और आकर पूरा गुस्सा एम्प्लॉयज पे निकालता, हमारे पर भी निकालते, तो आज से आधी बेइज्जती सहने की जिम्मेदारी आपकी। सुने आप, तपती धूप में, पड़ते हुए बारिश में, बस स्टॉप पे ठहर के, बस में धक्के खाते हुए सफर करके घर को आने की जिम्मेदारी आधी आपकी आधी मेरी, ठीक है? उसके बाद जो है सो आज जितने भी मैं कमाऊंगा पैसे आधे आपके आधे मेरे, फिर जितने आप कमेंगे आधे आपके आधे मेरे, ठीक है? मंजूर है फिर आपकी ये शर्त? जी मैं मजाक कर रही थी जी, मैं कर लेती अपना काम, आप अपना काम कर लो। कर लेते, सीरियस हो गए आप पे, कर लेते ना, कर लेती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, काम है मेरे को, जाके आता का घर पूरा साफ रहना, शफाफ रहना, ऐसा फर्शी पे सूरत देखना देखे तो, और नाश्ता बनाओ और मेरा इंतजार करो, साथ में खाएंगे, अकेले ना को ढुसको। हाँ चलो। अच्छा। आओ जरा रास्ता दियो। A few moments later. क्या खोज रहा कि रे भाई, ने 2 साल से खोते जा रहा, मैं कला आवाज से पक गया मैं इसके। सुनो मेरी क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या साफ सुथरा नीट और क्लीन कर दिए बेगम तुम। मेरे ख्याल से शादी के बाद ये घर को इससे अच्छा, इससे साफ सुथरा आज तक नहीं देखा मैं। वो शादी से पहले आप ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर दे क्या? अच्छा देखो मोहतरमा, मेरे को मालूम है कि आप नाराज है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट क्या है, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ऐसा बिहेव नहीं करता आपके साथ, बट यू शुड ऑल्सो नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप भी जो है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर पूरा सा उतरना भाई, समझे? अच्छा आपको ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं आपको मनाना आता मेरे को, मैं मेरे हाथों से आपके खातिर गर्मा गर्म जबरदस्त शही बनाता हूँ, जो आप पी के आपका पूरा गुस्सा। मा कावा जी, मातरमा कावा जी, मातरमा।